नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने फ़ोन पर किस प्रकार से हम शाला सिद्धि का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल सर्च इंजन से, जैसे मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये गूगल सर्च इंजन, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे शाला सिद्धि, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी में शाला सिद्धि। तो शाला सिद्धि लिखने के बाद इस तरह से आपके पास एक साइट आ जाएगी, आपको इसके ऊपर टिक करना होगा। तो देखिए टिक करते हैं, और टिक करने के बाद आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये अभी देखिए प्रॉपर साइट नहीं है ये, हमको इसको करने के लिए क्या एक काम करना पड़ेगा। हम जो ये ऊपर तीन डॉट होते हैं ना, मैंने ये पहले आपको कभी बताए हैं, ऊपर के जो तीन डॉट होते हैं यहाँ पर टिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप साइट में लेके आएंगे। तो जैसे मैंने इस तीन डॉट पर टिक किया, और देखिए यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट आ गई है, मुझे इसके ऊपर टिक करना है, तो मैं यहाँ टिक कर दूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने उस पर टिक किया, अब ये कंप्यूटर या डेस्कटॉप साइट के हिसाब से खुल गया है। यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। जब आप पहले से काम करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका जो यूज़र नेम होता है ये आपका यू डाइस कोड होता है, और यहाँ पर आपने कोई पासवर्ड बनाया होगा उसको आप डालेंगे फिर सबमिट करेंगे। लेकिन हमारे कई साथियों को पासवर्ड के बारे में जानकारी कम होती है, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ नीचे दिख रहा होगा इस बीच वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक हेयर पर टिक करेंगे। जहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। कैसे करके थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। देखिए पहले हम क्लिक हेयर करेंगे, उसके बाद हमारे पास इस तरह से तीन ऑप्शन आएंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन है विद पिन, गेट पिन और गेट पिन, तीन ऑप्शन आएंगे। तो हमारे पास पिन तो है नहीं, और फॉरगेट हम कर लिया, लेकिन हमें पिन चाहिए, हमें पिन चाहिए तभी हम इसमें एंटर कर पाएंगे। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, और दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने स्कूल का यू डाइस कोड लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, वही मोबाइल नंबर जो कि हमने शाला सिद्धि के टाइम पर रजिस्टर किया था। यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे जो आपके फ़ोन का ईमेल है, उसके बाद हम गेट पिन पर टिक करेंगे। फिर आपको चार या छः नंबर का एक पिन मिलेगा, OTP मिलेगा, उस OTP को आप दोबारा से यहाँ पर आकर के विद पिन वाले ऑप्शन में आकर के, और यहाँ पर फिर डैश कोड डालेंगे, और जो पिन आपको मिला है उसको यहाँ पर डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको नया पासवर्ड, न्यू पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा, आप एक अच्छा सा पासवर्ड डाल देंगे और उसको हमेशा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जिन लोगों को पासवर्ड मालूम नहीं होता है वो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, और जिनको मालूम है तो वो सीधे वापस, जैसे कि हम देख रहे थे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से हमारे पास पेज खुलेगा। तो इस पेज में हमारे विद्यालय की जानकारी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा है PS कुथिया, यहाँ पर सत्र लिखा है 2021, और यहाँ पर हमारे स्कूल का डायस कोड लिखा है ऊपर। इसमें हमको चार बिंदुओं पर फोकस करना है, एक तो लर्नर्स यानी कि विद्यार्थी, दूसरे शिक्षक टीचर, तीसरा स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स, और चौथा स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। इन चार चीज़ों को हमने इसको फिलअप करना है इसमें, और उसके बाद हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो अब करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लर्नर्स वाला पॉइंट भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर टीचर वाला ऑप्शन आएगा, फिर उसको जब कंप्लीट करेंगे फिर अब स्कूल एवोल्यूशन वाला ऑप्शन आएगा, इसको जब कंप्लीट करेंगे फिर इम्प्रूवमेंट प्लान ये आएगा। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले हम लर्नर्स पे टिक करते हैं। जब लर्नर्स पे टिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास स्क्रीन आता है, हमारे पास यहाँ पर चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती है, एक तो लर्नर्स के बारे में यानी कि छात्रों के बारे में, दूसरा टीचर्स के बारे में, तीसरा स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स के बारे में, और चौथा स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के बारे में। तो चारों स्टेप हमें पूरे करने होते हैं। जब हम लर्नर्स की डिटेल भरेंगे
तो यहाँ पे भी तीन चीज़ आएंगी यदि आप गौर से देखें। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अभी पहला वाला ऑप्शन खुला हुआ है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा पहला ऑप्शन है। यदि आप दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो देखिए ये दूसरा ऑप्शन आ गया है। ये यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट होता है, और यहाँ पर टिक करते हैं तो तीसरा ऑप्शन है। तो पहले वाला ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आपको विद्यालय में कितने बच्चे कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, इस वाले टेबल में आपको बच्चों की अटेंडेंस भरनी है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है यहाँ पर, इसको देख करके आप बॉयज़ की और गर्ल्स की अलग अलग क्लास वाइज अटेंडेंस निकाल लेंगे, उसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और यदि आपको ये परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा साइड में ये देखिए क्लिक हेयर लिखा है समझने के लिए, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको देख करके भी आप परसेंटेज कैसे निकालनी है बच्चों की इसको देख के समझ पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब हम ये भर लेंगे उसके बाद हमको यहाँ पर सबमिट पे टिक करना होगा। सबमिट पे टिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे टिक करेंगे और नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, यानी कि ये वाला पेज। मैं दिखाता हूँ कैसे खुलेगा। जब हम इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के बारे में है, उनका रिजल्ट कैसे कैसे है, जो आप देख लीजिएगा क्लास वन का रिजल्ट, टू, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी आपने भरने के बाद सबमिट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद टीचर्स की डिटेल आएगी। जब आप टीचर्स की डिटेल पे जाएंगे तो टीचर्स की संख्या के बारे में जानकारी मांगी होगी, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। टीचर्स की अटेंडेंस भी पूछी यहाँ पर, ये दूसरा ऑप्शन है। जब आप टीचर अटेंडेंस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे छुट्टियों के बारे में है कि लंबी छुट्टियाँ जो एक महीने से ज़्यादा ली गई हैं और छोटी छुट्टियाँ जो एक हफ्ते से ज़्यादा ली गई हैं वो भरनी है, फिर हमको सबमिट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट। जब हम तीसरे वाले स्कूल मैट्रिक्स पे आते हैं, देखिए ये वाला पेज, इसका आपको बताना है कि आपके स्कूल में किस किस तरह से क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएँ हैं, किस तरह का बिल्डिंग है, पानी, इनके बारे में आपको इसमें करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सबमिट करना है, फिर आगे नेक्स्ट करना है। ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप इन मॉड्यूल्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हम वापस जाके देख रहे हैं तो इस तरह से आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास ये मैट्रिक्स होंगे, इनको आपको भरना होगा। फिर चौथे नंबर पर आपके पास है ये इम्पोर्टेंट एक्शन प्लान जो आप स्कूल का बनाते हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ लिखना होगा जो भी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, उसके पढ़ के ध्यान से और आप इसके अंदर फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट सबमिशन होगा। इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिशन। जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे उसके बाद आपका डेटा लॉक हो जाता है, यानी फ्रीज हो जाएगा। तो आप चाहे तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार रिव्यू कर लें, इसको देख लें दोबारा से पीछे जा करके कि आपने सब चीज़ें सही भरी हैं नहीं भरी हैं। और यदि एक बार फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपका डेटा पूरा का पूरा वहाँ पर स्टोर हो जाएगा और आपका सारा सिद्धि का काम पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू।